हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम परसेंटेज प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम गिवन है कि इफ़ एन एथलीट्स वेट डिक्रीजेज फ्रॉम 160 पाउंड्स टू 152 पाउंड्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। यानी कि कोई एथलीट है और उसका वेट जो है वो 160 पाउंड्स से 152 पाउंड्स तक जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो आप जो है वो परसेंटेज डिक्रीज बताएं। ठीक है, तो इसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि आप सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल वेट उसका लिखें, यानी कि ओरिजिनल वेट ऑफ एन एथलीट दैट इज़ इक्वल टू 160 पाउंड्स, और आपके पास जो डिक्रीज्ड वेट है वो कितना है, वो है 152 पाउंड्स। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ, मतलब उसमें जो कमी है वो कितनी आई, दैट इज़ इक्वल टू 160 माइनस 152 दैट इज़ इक्वल टू 8 पाउंड्स। ठीक है, अब आपने जब परसेंटेज डिक्रीज बताना है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास जो है वो ये होता है कि जो डिक्रीज अमाउंट है वो न्यूमिरेटर में रखते हैं, टोटल अमाउंट जो है जो ओरिजिनल उसका वेट था वो डिनोमिनेटर में आता है, और आप परसेंटेज बताना चाहते हैं तो आप 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 0 से गया, 8 2 16 एंड 2 5 10, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5%। ठीक है, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज जो था वो है 5%, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।